बहुत जलवे हैं आजकल, अपने फिटनेस के बहुत जलवे, शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस दी है, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। अच्छा ये बताइए तो क्या मैंने क्या हमारा मौसा का लड़का है जो अगर बॉडी देखा था नहीं हम? भाई देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीजें, आप मेहनत करिएगा तो आप भी बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूं। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ, मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पर भी मैंने जिम बना के रखा है ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूं, आधे घंटा ही करूं, लेकिन करूं, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूं कि मैं उनका हीरो हूं, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूं। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस आइकन है? इसको मानते हैं आप तो हैं ही, लेकिन आपके हिस्से में आप कुछ को देख पा रहे हैं? देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही है, किसी का 9-10 पेट है तो किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखिए मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूंगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए, इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ रहे, और कोशिश जारी है। मैं संदेश देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई गार्जियन हूं कि मैं उनको संदेश दूं, हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से, अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, और सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, जिसको जो मिलता है करता है। थैंक यू सो मच।